बहुत बादल है यार, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। ओए ओए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रहमान अली। दोस्तों अभी मैं अपनी मिनी जू में आ गया और इतनी ठंडी हवाएं आए हैं, इतनी ठंडी हवाएं वगैरह आ रही हैं और इतना मतलब कि सर्दी क्यामत आमद हो गई है, मतलब कि सर्दी आने वाली है। वो क्या जब ठंडी ठंडी हवाएं आने स्टार्ट हो गई हैं और लास्ट वीक्स हैं और सर्दी आ जाएगी, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने जो चिक्स वगैरह हैं, मुर्गी वगैरह, रैबिट्स वगैरह, बारिश भी ऐसा ऐसा आने लग पड़ी है। इधर मुझे ऊपर ना एक बारिश का खतरा गिरा है और अभी मैं अपने कबूतर को देख लेता हूँ, उसके अंदर उन्हें नीचे अंडे हैं, वो कैसे हैं। दोनों अंडे आ चुके हैं, नहीं पता तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना। फिर यार जल्दी से हम ना इधर वाली साइड पर देख लेते हैं, वो कबूतरी बैठी हुई है, शाबा अच्छी केटरिंग कर रही हो। और ये वाला जोड़ा अभी, वो कबूतरी अभी इन्हें अंडे नहीं दिए, तो बाकी वो कबूतर नहीं, अब कबूतर बैठा हुआ, कबूतर इधर वाली साइड पर थोड़ा सा सांस ले रही आई हुई है मेरे खास। क्या करना होगा, ये सारी रक्सिम्स वगैरह ना ये मैंने सही करे तो वो क्या बारिश आने वाली है, छोटी छोटी कन्नियाँ आ गई हैं इधर वाली सारे पर, ये सारी ना मैं ठीक कर दूँ क्योंकि बारिश ना स्टार्ट हो गई है। तो ये ना हम इधर इसको ऐसे करते हैं, ये बाजरा नीचे जाने देते हैं, ये आ गए चा, ये देख ये पकड़, ये रखते इसको पकड़ के हम इससे ऐसे कर देते हैं, ये हो गया, ये सारी कवर कर दी हमने। उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसको इधर ऐसे चलो ये हो गया, ये होने के बाद इसको हम ऐसे ऐसे और ऐसे ये कर दिया। ईंट पकड़ो, ईंट को ऐसे नहीं, ईंट को इधर रख देते हैं इधर, और इधर वाले केच की खैर है, इधर वाले केच का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हुआ, बारिश आ रही है जो उसके अंदर। भाई मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, रबी लवल का महीना है, हम जोश नहीं बोलना चाहते, मेन बात है भाई ठंडे केच के अंदर क्यों नहीं सामान आ रहा है, सब लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं, सब लोग यही मुझसे पूछ रहे हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बाहर जाता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं भाई ठंडे केच में कैसा कब सामान आएगा। भाई मेरी बात सुन लो, ठंडे केच का जो हमने इसके अंदर लेने के आना है एनिमल्स वगैरह लेके आना है यार, वो इन्हें मार्केट में ढूंढ रहा, तो हम इसका काम कैसे स्टार्ट करेंगे यार। काम स्टार्ट तब करेंगे ना जब वो मिल जाएगा। और ये देखिए अभी मैंने इसको ठीक किया, तो इसके ऊपर ना इधर भी ईंट रखनी पड़ेगी। तो यार मैं आपको बता रहा था वो काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है यार, वो जिसके अंदर से जो एनिमल्स पेट्स वगैरह जो भी बर्ड्स वगैरह लेके आना है वो, और वो ही नहीं अभी मिल रहा, आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। तो आपको मैं जिसके घर में कोई बर्ड्स वगैरह परिंदे वगैरह हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके साथ थोड़ी बहुत बात कर लूँगा, फिर हम ऐसा काम चला सकते हैं। तो हम ना ये दस मैं क्या करता हूँ, जैसे ये पकड़ता हूँ, इधर चलते हैं और हम रख देते हैं इधर वाली साइड पर। चलो ये देखिए छोटी छोटी कन्नियाँ स्टार्ट हो गई, ये देखें भाई साहब छोटी छोटी कन्नियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बारिश का मौसम बन चुका है। अभी मैंने ये हमारे जो ट्रीज वगैरह हैं इनको भी साथ में पानी वगैरह मिल जाएगा, और उधर वाले सारे पर जो हमारे मुर्गियाँ वगैरह उनको भी वैक्सीन वगैरह मैंने सुबह दिया, इस ट्रीज की वजह से ना मैं सुबह टाइम में ना वैक्सीन वगैरह डाल लेता हूँ। तो ये थोड़ी सी ना कनक वगैरह पड़ी हुई है, इसको ना हम ऐसे कर देते हैं और अंदर आ जा रे, वो देखें तो कोई बात वैक्सीन तो डली हुई है, ये ऊपर रख देते हैं। अच्छा ये सारा कवर कर दिया मैंने, इधर वाला सारा सच में खराब हो गया। तो हमारे रैबिट्स का क्या क्या हाल चाल है, ये रैबिट्स हमारा इधर बैठा हुआ है और वो ऊपर बैठी हुई है जाके, वो देखे वो छोटी छोटी कनियाँ आने स्टार्ट हो गई, देखो दोस्तों छोटी छोटी कनियाँ आने स्टार्ट हो गई और बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं इधर वाले साइड पर। तो इधर वाले साइड पर मैं मैंने जो का और कौन सा काम करने वाला है वो ज़रा मैं देख लूँ, हमारे जो केस वगैरह हैं वो रेडी हो गए हैं, वो भी सारा उनको मैंने सबको कवर कर दिया है। इसको पकड़ते हैं, इसको इधर रख लेते हैं। तो और बाकी जो गमले वगैरह वो भी हमारे ठीक हैं, इधर ठीक है, और कोई काम कोई करने वाला वो नहीं है, मैं ज़रा उधर से ना चक्कर लगाऊँ कोई काम करने वाला ना हो। इधर वाले साइड पर मैं आ गई, देखते हैं वाले साइड पर कौन सा काम करने वाले, इसको ऊपर आने नहीं देते, इसके अभी कोई सिस्टम वगैरह छोटे हाल नहीं है, वो तो बहुत वगैरह काम कौन सा करने वाले हैं। तो ये भी सारे सेफ्टी है, ठीक है ये भी सारे सेफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मतलब ये एड़े मर जग्गू रानी, और नीचे वाला खुड्डा तो आपको पता ही है अभी खाली है, ठीक है। तो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर दो, इस बारे में जो कभी काम ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो बर्ड्स वगैरह काफ़ी सारा इन्जॉय कर रहा हूँ। तो बारिश थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा तेज़ होती जा रही है, तो अभी कोई पता नहीं ठंडी हवाएं का सिलसिला जा रही है और सर्दी भी इसी तरह से आ जाएगी।
बारिश वगैरह रुकने का नाम नहीं ले रही। वैक्सीन वगैरह मैं फिर सीधी कर दूँ यार, वैक्सीन से फिर वैसे ही होती जा रही है। बारिश तो रुकने का कोई नाम नहीं ले रही, तो ये सारा कवर हम कर देते हैं। तो चलो यार फिर ठीक है सब। मामली क्या हुआ बोल रहे हो तुम लोग? ये कबूतर जो आगे खड़ी हुई ना, ब्लैकिंग वाइट इसने अंडे दिए हैं, और वो कबूतर अभी बैठा हुआ है, थोड़ी सी सांस वगैरह ले रहे ना। मैंने क्या किया, ये जो कनक के बोरे वगैरह ये भी मैंने इतने सारे ले हैं, इनको जो डालने डालते हैं हम, इनकी खुराक वगैरह तो आपको पता ही है, दोपहर टाइम हम इनको ये वाले मगर अभी बहुत 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 ही अच्छा हो चुका है। ये था मेरा चैनल, लोग अच्छा लगा चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी बारिश हो ज़्यादा तेज़ हो रही है, वीडियो को अच्छी लग रहा है वीडियो को लाइक लाजमी करना, कमेंट कर देना कि आपके पास कौन से बर्ड्स वगैरह हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।